नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं GVN24। झारखंड में राज्य बनने के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था का राज स्थापित नहीं हुआ और राज्य विकास से अछूता रह गया। ये बात विपक्ष के नेता ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कांग्रेस नेता राकेश कुमार महतो ने कहा। पहली बार सत्ताधारी दल के नेता ये बात स्वीकार की, वो बेकारों को कोऑपरेटिव कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राकेश कुमार महतो इस बार बोकारो विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अपना दावेदारी पेश करते हुए टिकट के लिए आवेदन पत्र भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए किए गए आंदोलन में आंदोलनकारी रहा हूं, लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहा हूं। लेकिन उन्होंने दावा किया है कि यदि पार्टी ने टिकट दिया तो भाजपा के चक्र ब्यूरो से निकाल दूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य जिस उद्देश्य से अलग हुआ था उस सपने को साकार नहीं होने दिया, लेकिन नेताजी भूल गए हैं कि उन्हीं के पार्टी के समर्थक सरकार राज्य में चल रही है। अभी बात किया, पहला कि मैं इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस से अपना बोकारो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया है, यह बताना आप पत्रकार बंधुओं को आवश्यक था। और दूसरा यह बताना था कि मैं बहुत दिनों के बाद चुनावी राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि झारखंड अलग राज लड़ाई लड़ने वाला एक सिपाही हूं मैं, झारखंड दोलन आंदोलनकारी हूं। लेकिन जब राज अलग हुआ तो जो सोचकर हम लोग लड़ रहे थे वह वहीं का वहीं रह गया। झारखंड अलग राज की लड़ाई राजनीतिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ था, लेकिन राज बनने के बाद न राजनीतिक शोषण रुका न आर्थिक उन्नति यहाँ के झारखंड वासियों के साथ हुआ, इसलिए कि यहाँ बेहतर कानून नहीं बन सका झारखंड विधानसभा में। पार्टी में कई दावेदार नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को मैं तोड़ सकता हूँ तो मुझे उम्मीदवार बनाएगी। और समीकरण चूंकि मेरे साथ है, सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भारतीय जनता पार्टी को बोकारो विधानसभा से शिकस्त करने का मौका देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GVN24।